हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इस बात को हम जो है एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में बोला है कि ए जो है विदड्रॉ कर रहा है 1200 रुपये पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करवाने करने के लिए बोला है, और पीरियड ले रखा है 3 मंथ्स का, मतलब कि जो ये पर मंथ ड्राइंग्स कर रहा है वो 3 महीने के लिए कर रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बिना किसी एवरेज पीरियड के सिंपल मेथड से कैलकुलेट करूँ तो उसका आंसर क्या निकलेगा? उसने यहाँ पे देखो, हमने क्या लिखा हुआ है, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ सेकेंड, एंड ऑफ थर्ड। इसने बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मंथ में ड्राइंग की, इसका मतलब कि पहली बार उसने ड्राइंग की होगी फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग पे। 1200 रुपये निकाल ले तो उसे कितने महीने का ब्याज देना है फर्म को? 1, 2, 3, 3 महीने का ब्याज देना है। तो 10% 3 महीने का कितना बनेगा? 30 रुपये। अब इसी तरीके से जब उसने सेकेंड ड्राइंग की सेकेंड मंथ के बिगिनिंग पे, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ड्राइंग की, तो 1200 रुपये कब के ऊपर 10% ब्याज देना है। कितने मंथ के लिए देगा अब ये? 2 मंथ्स के लिए, तो कितना आएगा? 20 रुपये। और इसी तरीके से थर्ड केस में 1 महीने के लिए 10 रुपये, तो इसका मतलब कि इसने टोटल कितना इंटरेस्ट दिया? 30 + 20 + 10, दैट इज 60 रुपीज़। और अगर हम इसी चीज़ को एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेट करें, उसमें हमें पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज पीरियड कैसे होगा? उसने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग की, इसका मतलब कि इस टेबल में अगर हम देखें, इस ग्राफ में उसने फर्स्ट मंथ पहली बार ड्राइंग कब की होगी? फर्स्ट मंथ के बिगनिंग में, क्योंकि हर महीने की बिगनिंग में वो ड्राइंग कर रहा है। तो इसका मतलब कि फर्स्ट ड्राइंग उसने की होगी पहले मंथ के बिगनिंग में। अगर फर्स्ट मंथ का बिगनिंग में उसने ड्राइंग की तो कितना टाइम लेफ्ट रह गया हमारा? 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ, पूरा टाइम पीरियड बचा है। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद उसके पास कितना पीरियड है? 3 मंथ्स। लास्ट टाइम उसने ड्राइंग कब की होगी? लास्ट मंथ के बिगनिंग में, क्योंकि वो हर महीने की बिगनिंग में ड्राइंग करता है। तो लास्ट मंथ के बिगनिंग में, दैट इज थर्ड मंथ का बिगनिंग। तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है? 1 मंथ। तो इसका मतलब कि 3 + 1, 4 / 2, 2 मंथ्स। तो इसका मतलब कि 2 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं अब जो टोटल ड्राइंग्स है उसके ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर दूं, तो देखना क्या ये 60 रुपीज़ के इक्वल आता है। 1200 रुपये पर मंथ निकाल रहा है 3 महीने के लिए, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 3600 रुपये। उसके ऊपर 10% कितने महीने के लिए निकाला आपने? 2 मंथ्स के लिए, तो कितना कैलकुलेट होकर आ रहा है? 60 रुपीज़। इसका मतलब कि अगर आप एवरेज पीरियड से निकालते हो या सिंपल मेथड से निकालते हो, दोनों से आंसर सेम होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास पेपर में टाइम कम होता है, इसलिए हम कौन सा मेथड फॉलो करके चलते हैं? एवरेज पीरियड मेथड। इस चीज़ को जो है हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखना, कहता है ए ने विदड्रॉ किए 1200 रुपये पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कितने महीने के लिए ड्राइंग्स कर रहे हैं वो? 6 मंथ्स के लिए। तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट देखा 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड हर महीने के बिगनिंग में करता है 6 महीने तक। इसका मतलब कि पहली बार ड्राइंग कब की होगी उसने? फर्स्ट मंथ के बिगनिंग में। तो इसका मतलब कि कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है फर्स्ट ड्राइंग के बाद? 6 मंथ्स। और लास्ट बार ड्राइंग कब की होगी उसने? 6th मंथ के बिगनिंग में। तो कितना टाइम बचा हुआ है? 1 मंथ डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब कि 7 / 2 कितने मंथ्स आ गए? 3.5 मंथ्स। तो जब हम इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, 1200 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं 6 महीने के लिए, तो 1200 × 6 = 7200 के ऊपर 10% 3.5 महीने के, 3.5 डिवाइड में क्या आना चाहिए यहाँ पर? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा? यहाँ पे 6 महीने आना चाहिए डिवाइड में, 6 आना चाहिए या 12 आना चाहिए, क्योंकि उसने 6 महीने के लिए ड्राइंग्स की है। देखिए, ये जो बात है कि डिवाइड में यहाँ पर क्या आएगा, वो कितने मंथ्स के लिए उसने ड्राइंग्स की,
इस बात के ऊपर ड्राइंग डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट कैसा दिया हुआ है। अगर उसने इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, तो इस बात को हमें समझ के चलना है। इंटरेस्ट रेट का 10% पर एनम का मतलब क्या है कि वो 10% फॉर 12 मंथ्स है, कि पर एनम मतलब एनुअल 12 मंथ्स। इसका मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर 12 मंथ्स इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 10%, तो 3.5 महीने के लिए कितना होगा, 10 / 12 × 3.5। तो इसका मतलब कि डिवाइड में क्या आया, 12। 12 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट जो है पर एनम दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि जब आप यहाँ पे डिवाइड में लिखते हो तो डिवाइड में 6 आएगा कि 12 आएगा, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है या पर हाफ ईयर दिया हुआ है या पर क्वार्टरली दिया हुआ है। ड्रॉइंग्स कितने मंथ्स के लिए किया है, इस चीज़ से इसका कोई मतलब नहीं होता। अब इस चीज़ के ऊपर जो है मैं आपको एक क्वेश्चन दे के चल रहा हूँ, अब इसको सोच के आंसर करना कमेंट बॉक्स में, कि अगर जो ये इंटरेस्ट रेट है दिया होता 10% पर क्वार्टर तो डिवाइड में क्या आता, और अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है तो डिवाइड में क्या आएगा। चलिए हम इसको जो है थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके बताना है। कुछ हमने केसेस बनाए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट केस में हमने बोला है कि आपका जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसका पीरियड बताना है, क्योंकि हमने कितने मंथ्स कंसीडर किए हुए हैं, 6 महीने कंसीडर किया हुआ है पीरियड। तो 6 महीने का कंसीडर किया हुआ है तो ड्राइंग कितने दिए हुए हैं, 1200 रुपये पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% पर एनम, और बोला है कि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है तो पहली बार ड्राइंग कब की होगी उसने, फर्स्ट मंथ के बिगनिंग में। तो इसका मतलब कितना टाइम बचा हुआ है, पूरा का पूरा बचा हुआ है 6 मंथ। लास्ट बार ड्राइंग कब की होगी उसने, लास्ट मंथ के बिगनिंग में। तो इसका मतलब कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है, 1 महीना। तो 6 + 1/2 = 3.5 मंथ्स, और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 1200, 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहे हैं, तो 1200 × 6 = 7200, उसका 10% × 3.5 डिवाइड बाय, यहाँ पर ये पर एनम दे रखा है, तो डिवाइड बाय 12। इसी तरीके से अगर ये केस एंड ऑफ ईच मंथ का है तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट टाइम ड्राइंग कब की होगी इसने, हर महीने के एंड में करता है, तो फर्स्ट मंथ के एंड पे यहाँ की होगी ड्राइंग। तो कितना टाइम पीरियड बच गया हमारे पास, 5 महीने, क्योंकि यहाँ पर जो है फर्स्ट मंथ के तो एंड पे किया है ड्राइंग्स, तो 5 महीने बचे हुए हैं। और लास्ट बार ड्राइंग कब की होगी, लास्ट मंथ के एंड पे, तो इसका मतलब कि तब कितना पीरियड बचा हुआ है, 0 / 2, तो कितना आ गया ये 2.5 मंथ्स। तो 7200 के ऊपर 10% 2.5 मंथ्स के लिए। फिर इसी तरीके से जो है मिडल ऑफ ईच मंथ है तो कैसे आएगा, मिडल ऑफ ईच मंथ है तो पहली बार ड्राइंग कब की होगी उसने, फर्स्ट मंथ के मिडल में। तो इसका मतलब कि यहाँ कितना टाइम पर बच गया, हाफ मंथ तो ये बचा हुआ है और 5 मंथ्स ये बचे हुए हैं, तो 5.5 मंथ्स हैं, प्लस लास्ट टाइम ड्राइंग्स कभी होगी, लास्ट मंथ के मिड में। तो इसका मतलब कि कितना टाइम बच गया, सिर्फ 0.5 मंथ्स। तो कितने महीने आ गए, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर देंगे हम। और अगर ये दे रखा है हमें ड्राइंग्स जो है पर क्वार्टर की जाती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वार्टर बोलते किसको हैं। क्वार्टर बोला जाता है 3 मंथ्स के पीरियड को, इसका मतलब होता है कि जो भी आपको टाइम दिया हुआ है उसका 1/4, उसका 1/4 जो है आपका क्वार्टर है। क्वार्टर का मतलब ही 1/4 होता है। अगर 12 मंथ्स हैं तो कितने कितने महीने का क्वार्टर हुआ, 3-3 मंथ्स का। 6 मंथ्स हैं तब भी 3-3 मंथ्स का है, तो इसका मतलब कि 3-3 मंथ्स का क्वार्टर है, तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर और ये दूसरा क्वार्टर। और अगर उसने कहा है कि बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स करता है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स कर रहा है अगर वो, तो पहली बार ड्राइंग कब की होगी, फर्स्ट क्वार्टर के बिगनिंग पे।
फर्स्ट क्वार्टर के बिगनिंग पे की होगी। अगर फर्स्ट क्वार्टर के बिगनिंग पे ड्राइंग की है तो इसका मतलब कितना मंथ्स बचे हुए हैं, 3 + 3 सिक्स मंथ्स, प्लस लास्ट टाइम ड्राइंग कब की होगी, लास्ट क्वार्टर के बिगनिंग में, तो इसका मतलब कितना टाइम पीरियड बचिए हमारे पास, 3 मंथ्स। तो 6 + 3/2 4.5 मंथ्स। तो इसका अमाउंट कितना कैलकुलेट होके आएगा, इसका अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा 1200 रुपये पर क्वार्टर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, 1200 रुपये पर क्वार्टर है, तो इसका मतलब के दो क्वार्टर में कितना हुआ 2400, उसका 10% 4.5 मंथ्स। इसी तरीके से अगर ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता, एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता तो कितना पीरियड आता हमारा, पहले क्वार्टर के एंड पे, तो इसका मतलब कि 3 मंथ्स बच गए। और लास्ट बार कब की होगी उसने, लास्ट क्वार्टर के एंड पे, तो इसका मतलब 0/2, तो 3/2 1.5 मंथ्स आ जाता। और अगर मिड ऑफ ईच क्वार्टर की होती तो हम कहते कि यहाँ पर 1.5 मंथ्स बचे हुए हैं और 3 मंथ्स ये, तो 4.5 मंथ्स प्लस लास्ट में कब की होगी, लास्ट क्वार्टर के मिड में, तो इसका मतलब कि कितने बच गए यहाँ पर 1.5 मंथ्स 2, तो इसका मतलब के 6/2 3 मंथ्स। ओके, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की वीडियो अगले बार पार्ट में बनाएंगे। ओके, बाय।